दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भोपालीस किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले हम वो देख लेते हैं। तो मैंने इसमें जो कटी हुई टमाटर ली है, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर ली है, दो कटी हुई प्याज ली है, चार हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन ली है। अब मैं एक मिक्सर जार पर लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लूँगी। तो लीजिए दोस्तों, मेरा सारा मिश्रण तैयार हो चुका है। इंडक्शन में मैंने एक पैन गरम किया है और उसमें मैं थोड़ी सी ऑयल ऐड कर रही हूँ और एक सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें डाला है और वो मिश्रण को भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी। जब मेरा ये भून जाएगा तब मैं उसमें मेरे सारे मसाले ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक और पकाऊँगी। आप ये चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप इसको पराठे या रोटी के साथ खाइए, बड़ा ही टेस्टी होता है ये। इसे मैं और 1 मिनट तक पकाऊंगी। तो लीजिए दोस्तों, मेरा चटनी बनके तैयार हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। Thank you.